إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى: اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. قابل احترام صدر جلسة جماد کے سرپرست هم سب کے مربّي فضيلة الشيخ قاري نجم الحسن فائزي حفظه الله مركز الإمام البخاري کے روح روان فضيلة الشيخ وبيد الرحمن المدني حفظه الله اس مجلس میں موجود موقر علماء الكرام وأساتذة مركز الامام البخاري کے موقر وعزيز طلبة قریب و بعید سے آئے ہوئے مہمانان अल्लाह आलमीन की अजीम शान नेमत अल्लाह का दीन है इस दीन के बग़ैर न इंसान दुनिया में कामयाब हो सकता है ना आख़रत में अल्लाह आलमीन ने इस दीन को सिखाने के लिए हर ज़माने में नबी भेजे और अपनी तरफ से इल्म किताबों की सूरत में उन्हें अता किया वही की सूरत में उन्हें दिया उस उसम के बगैर इंसान दुनिया में जलील होता है और आखिरत में नाकाम अल्लाह रबुली ने सबसे पहली वही नाजिल की तो इंसान की तख्लीक़ के बाद इसी नेमत को जताया अल्लाह ने तरमाया बसम रबि खलक पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया खलक अल इंसान को पैदा किया अलक से जमे हुए ख़ून से व रब्बुकल अकरम पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है हर करम करने वाले से ज़्यादा करीम क़लम जिसने क़लम के ज़रिए से तालीम दी अलबल इंसान मालम याम इंसान को वो सिखाया जो नहीं जानता था ये पहली पाँच आयतें हैं जो क़ुरान करीम की सबसे पहली वही हैं अजीब बात यह है कि अल्लाह रबालमीन ने इन आयतों में इंसान की तख्लीक के बाद उसके रिस्क का जिक्र नहीं किया खाना पीना लिबास और दुनियावी जिस्मानी ज़रूरतें अल्लाह ने उसका ज़िक्र नहीं किया जो इंसान के लिए उसके जिस्मानी वजूद की बका का ज़रिया है खिलाने पिलाने का पहनाने का और वो सारी नेमतें जो इंसान को दुनिया में दी गई हैं ये भी नेमतें हैं अल्लाह ने उनका ज़िक्र नहीं किया बल्कि अल्लाह आलमीन ने इंसान की तलीम का जिक्र किया कि अल्लाह ताली ने इंसान को जज़ीमशा नमत दी वो इल्म, है अलम अबिलकलम वो अल्लाह करम करने वाला रब जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से इल्म दिया अलमल इंसान मालमआलम इंसान को वो इल्म दिया जो वो नहीं जानता था और अल्लाह के दिए बग़ैर उसको जान भी नहीं सकता था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा करने के बाद अपनी नमत तख्लीक के बाद नमत तालीम का ज़िक्र किया मालूम हुआ कि इंसान को खाने पीने से भी ज़्यादा ज़रूरत इल्म की है उसके जिस्म की बका और इर्तिका से ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको रब्बानी इल्म मिले इसलिए कि वो जिस्म क्या काम का किस काम का जो अल्लाह की तात और ऱा को न जानता वो जिंदगी किस काम की जिसमें खालिक की मर्जियात इंसान को मालूम ना हो वो जिंदगी वो सलाहियतें किन काम किस काम की कि जिसमें अल्लाह रब्बुल ला रबालमीन की तरफ से दिए हुए मकसद का शूर ना हो जिंदगी का मकसद इंसान को मालूम ना हो लिहाजा जिंदगी में दुनियावी हाज़ात, जिस्मानी हाज़ात से बढ़कर जरूरत यह है कि इंसान अपने उखरवी मकसद को जानने के अतबार से इल्म उसके पास हो बिलाशुबा दुनिया का इल्म नफ़े वाला है टेक्नोलॉजी का इल्म है तब का इल्म है और इस तरह से हज़ारों किस्म के डिपार्टमेंट इल्म के हैं साइंस का इल्म, टेक्नोलॉजी का इल्म, और बहुत सारे लेकिन इनम के ज़रिए से इंसान आखरत की कामयाबी हासिल नहीं कर सकता एक डॉक्टर इंसान के दिल में खून के दौरान के एतबार से उसके दिल की असलाह कर सकता है लेकिन वो उसके यकीन और ईमान के एतबार से दिल में कोई तब्दीली नहीं कर सकता है उसका दिल अखलाकी बिगाड़ वाला हो डॉक्टर उसको सुधार नहीं सकता ऐसी कोई रग नहीं जिसको सही करने से दिल बिल्कुल नेक सालह बन जाए बड़े से बड़ा इंजीनियर है वो घरों को बेहतरीन तामीर के अतबार से बना सकता है ख़ूबसूरत मज़बूती उसमें आ सकती है अच्छे से अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन वाला घर के अंदर रोशनी रौनक दीवारों के अंदर रंग रोगन सारी चीज़ें फ़र्श और छत को बेहतर बना सकता है लेकिन वो उस घर में सुकून का कायदा नहीं बता सकता है उस घर में ख़ैर के दरवाज़े खुलने वाला दरवाज़ा नहीं बना सकता खैर के आने के लिए वो राह नहीं बना सकता दीन के बगैर ये नहीं हो सकता और दीन के इल्म के बगैर दीन जिंदगी में नहीं आ सकता लिहाजा ये जो इल्म है दीन का इल्म ये सारी चीजों पर मुकदम है अगर ये इंसान के पास है तो उसके पास खैर की चाबी है ये नहीं है तो सब हो के भी वो महरूम है अल्लाह के नबी वसल्लम ने खैरियत का दावा और रहमत की दुआ इल्म दीन के लिए की है अल्लाह के वसल्लम फरमाते हैं तुम में बेहतरीन शख्स वो है सबसे खैर वाला सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए है की खैरियत का ताल्लुक भलाई का ताल्लुक, बेहतरीन होने का मामला कुरान के इल्म से जुड़ा हुआ है की दुआ हत्ता आखरत के अतबार से तरोताजगी खुशहाली फलने फूलने की दुआ किसके लिए है उसके लिए है जो कहा कि जो हमसे कोई हदीस सुने और उसे महफूज रखे यहां तक कि उसे दूसरों तक पहुँचा दे कुरान का इल्म और हदीस का इल्म हासिल करने वाले सीखने वाले और पहुंचाने वाले और सिखाने वाले इनके लिए खैरियत की बात आई है इनके लिए फजीलत है इनके लिए ऊंचा मकाम है बदकिस्मती से हाल ये हो गया है कि उम्मत में इसको भी छीन कर दुनिया में दुनियावीम के लिए कर दिया गया अच्छे अच्छे बोलने वाले क्या बोलते हैं इस्लाम में पहला देखिए कुरान में पहला लफ्ज़ क्या आया है इकरा लिहाजा मुसलमानों को पढ़ाना चाहिए खूब साइंस का इन पढ़ाओ इंग्लिश पढ़ाओ हा? फ्रेंच पढ़ाओ उसको टेक्नोलॉजी सिखाओ उसको डॉक्टर बनाओ इंजीनियर बनाओ क्यों कुरान में सबसे पहला लफ्ज़ इकरा आया है बिलाशुबा दुनियावीम मुफीद हैं इसका किसी आलिम ने इनकार नहीं किया लेकिन आप देखें कि ये असलन किसके लिए आया है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत के नाजिल होने के बाद टेक्नोलॉजी और साइंस का इल्म सीखने के लिए निकल गए ये जो आयत नाजिल हुई उसमें क्या पढ़ने का जिक्र था उसमें कुरान पढ़ने का जिक्र था अल्लाह की वही की तिलावत का जिक्र इसमें था उसकी तबलीग का इसमें हुक्म था इसीलिए उलमा ने आप वगैरह ने कहा इस आयत में इकरा अपने लिए पढ़ना बतौर इबादत भी है और दूसरों के लिए पढ़ना बतौर तबलीग भी है कि ये जो पढ़ना है ये अपनी ज़ात के लिए बतौर इबादत भी है तिलावत के तौर पर और दूसरों के लिए तबलीग के तौर पर अल्लाह का पैगाम पढ़ने की भी बात है लेकिन इसको क्या कर दिया गया ये दुनिया के लिए है जब जहनों पर दुनिया गालिब होती है तो दीनी बातें भी दुनियावी नक्शों में दिखाई देती हैं दीनी दलीलों का भी इस्तेमाल आदमी दुनिया के लिए करना शुरू कर देता है ये बड़ी बदकिस्मती मुसलमानों के लिए। आज इस दौर में मदारिस का मामला और कमजोर होता जा रहा है दीन इल्म के बारे में लोगों में एक तबका है जिसमें फिक्र पैदा हो रही है लेकिन एक बड़ा तबका वो भी जिसमें इस इल्म के बारे में बेरगबती और नाराज़गी भी पैदा हो रही है कि आलिम लोग करियर खराब कर रहे हैं मदारस लोगों को बेहतर नहीं बना रहे उनकी ज़िंदगी बिगाड़ रहे बर्बाद कर रहे हैं उनके करियर को उनकी दुनियावी कामयाबी को ज़ाहिर बात है जिसकी जिसकी निगाह में दुनिया ही सब कुछ हो या आलमिनख्यात दुनिया जो सिर्फ दुनिया ही को तरजीह देते हों इसी को हकीक इसी को जानते हैं उनकी निगाहों के सामने यही हो जाहिर बात है कि दीन में अपने अवकात को सर्फ़ करना और दीनी उलूम की खिदमत में अपनी जिंदगी को खपा देना उनके नजदीक नादानी लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतरीन लोगों को इंसानियत में से जिन लोगों को चुना उन्हें किस इल्म की खिदमत के लिए लगाया किस इल्म के पहुंचाने के लिए उनको इस्तेमाल किया और उन पर जिम्मेदारी डाली वो दीनी है साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए से माशरा उसमें चीज़ों की तरक्की होती है इंसान की नहीं आप सोचिए साइंस की तरक्की से क्या हुआ मोबाइल फोन टेलीफोन से तार से खत से निकल के हम लोग मोबाइल फोन पे आ गए कैलकुलेटर से तरक्की करके हम लोग कंप्यूटर पे आ गए बैलगाड़ी से निकल के ऊंट के सफर से निकल के हम लोग हवाई सफर तक चले गए हर चीज में बेहतरी आ गई बेहतरी आई किसमें चीजों में लेकिन चीजों को इस्तेमाल कौन करता है इंसान इंसान में बेहतरी आई या बिगाड़ आया आप देखिए तारीख को के देखिए बहुत बड़ी तारीख देखने की जरूरत नहीं अपने दौर के बुजुर्गों से बूढ़ों से पूछिए कि इंसान में कमाल पैदा होता जा रहा है या जवाल वाकई सच्चा समझदार तजर्बा का, आदमी कहेगा इंसान में बिगाड़ पैदा होता जा रहा पहले लोग ऐसे नहीं थे उनमें इंसानियत थी इंसान से जो चीज आज छूट रही है निकल रही है वो खुद इंसानियत है दौर ऐसा आ गया कि चीजें बेहतरीन बन गई लेकिन इंसानियत से खुद उसकी इंसानियत भी छीन रही है ऐसा दौर आ गया कि एक आदमी पहले जमाने में अगर रास्ते पर ठोकर खाके गिरता था तो दो लोग उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते थे लेकिन आज अगर एक आदमी एक्सीडेंट में रास्ते पर गिरा हुआ और तड़प रहा है तो हाथ उसको उठाने के लिए नहीं बढ़ता है अपनी जेब में जाता है मोबाइल निकाल के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए ताकि मैं उसे यूट्यूब पर डालू फेसबुक पर डालू और लोग उसको लाइक करें और मुझे शोहरत मिले लोगों की मुसीबत से मैं अपनी शोहरत का सामान खरीद रहा हूं आज इंसान बिगड़ रहा है टेक्नोलॉजी उसके पास बेहतरीन है लेकिन वो खुद क्या है तो मालूम है कि दुनियावीम चीजों को बेहतर बनाते हैं इंसान को भी अगर वो बेहतर बनाते हैं तो जिस्मानी हद तक डाइटिंग का इल्म, साइंस का इल्म, आंखें आदमी सही कर पाता है उसके जरिए से दिल की रगे नसें सही कर पाता है अतड़ियां और उस तरह से गुर्दे और किडनी सारे ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन आजा उसकी रूह का क्या उसकी सोच का क्या उसके अंदर धड़कते हुए दिल का क्या ये उलूम उसके बारे में बात भी नहीं करते बल्कि वो डॉक्टर जो इस जिस्म की बेहतरी चाहने वाला है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके सीने में दिल नहीं है वो डॉक्टर दिल का है लेकिन वो इतना मशीन की तरह बन चुका है इतना दुनिया परस्त हो गया है एक बड़ा तबका है सारे डॉक्टर नहीं एक बड़ा तबका ऐसा है कि आज लोग डॉक्टर को कसाब मानने लगे क्यों ऐसा हुआ वो तो दिल का डॉक्टर है लेकिन उसके पास दिल क्यों नहीं है उसके पास वो दिल नहीं है जिसमें अल्लाह का खौफ तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह का खौफ दिल में जब आता है तो समाज बेहतर बनता है वो खौफ कहाँ से आता है वो दुनियावी दुनियावीम से नहीं आता है वो आसमानी से आता है वो उन उनम से आता है जो नबी लेकर आते हैं डॉक्टर और साइंसदान इबादही अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वो डरते हैं जो इल्म वाले कौन से इल्म वाले अल्लाह वाला आए। ये जो हमारे मदारिस हैं ठीक है भाई ये किसी को डॉक्टर नहीं बना रहे किसी को इंजीनियर नहीं बना रहे ये वो तरक्की नहीं ला रहे हैं जो दूसरे लोग लाते हैं ये इंसान को इंसान बनाने वाले इदारे जो इंसान से दौर जदीद में इंसानियत छिनती चली जा रही है उसको वापस से इंसान बनाने के लिए बल्कि वाकई मानों में अल्लाह का बंदा बनाने वाली ये इदारे अगर ये इल्म से निकल गया ये इल्म धुंधला हो गया मिट गया तो इंसान के बचाव के लिए और कोई रास्ता और कोई चीज नहीं है जो उसको वापस से इंसान बना सके ये जो इल्म है ये हकीकी इल्म है एक आदमी घर के अंदर बेहतरीन ट्यूबलाइट लगा दे बेहतरीन पंखा लगा दे बेहतरीन फ्रिज लाए और बेहतरीन सारी टेक्नोलॉजी बेहतरीन लाए उस घर के अंदर अगर बिजली ही ना हो तो सारी चीजें बेकार हैं भाई बिजली नहीं तो बाकी सारा मामला ठप है जैसे उस घर की बिजली का मामला है वैसे ही इंसानी समाज और इंसानी जिंदगी के लिए दीन का मामला है इसके बगैर सब बेकार है कि वो रूह है जैसे जिस्म में रूह होती है इसके बगैर हयात नहीं है इसीलिए हदीस में क्या फरमाया वो बंदा जो अल्लाह को याद करता है और वो जो अल्लाह को नहीं याद करता है इनकी मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह से अल्लाह की याद अगर दिल से निकल जाए तो हयात निकल गई वो जिंदा नहीं हो मुर्दे की तरह मुर्दा क्या होता है बेहिस हो जाता है दीन ूम अगर ना हो दिलों की इस्ला नहीं होगी इंसान बेहिस हो जाएगा जैसे कोई मुर्दा हो कोई उसके अंदर एहसास नहीं होता है आज यही तो होता जा रहा है एहसास ही खत्म होता जा रहा है जुर्म का एहसास नहीं दूसरों की तकलीफ का एहसास नहीं आखरत के अतबार से कोई एहसास नहीं दुनिया में नाप तोल में डंडी मारना और धोखा देना और एक दूसरे की कत्ल कत्ल करना इज्जतें खराब करना छः छः साल की बच्चियों के साथ जिना का जिना हो रहा है आप बताइए कहाँ जा रही दुनिया छोटी बच्चियों के साथ में जिनाकारी हो रही टेक्नोलॉजी बेहतरीन होती जा रही है लेकिन वही टेक्नोलॉजी बेहयाई को आम कर रही है मारधाड़ को आम कर रही है छोटे छोटे बच्चों के अंदर बेहयाई आती चली जा रही है क्या इसके लिए टेक्नोलॉजी थी अब इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा है साइकोलॉजी नहीं इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए तकवा जरूरी है और वो तकवा अल्लाह का खौफ आखिरत की फिक्र के बगैर पैदा नहीं हो सकता है उसका दुनियावी उलोम में तस्करा भी नहीं है बल्कि इनकार है बताइए कितना भयानक मामला हो जाएगा अगर लोग पढ़ लिख के अल्लाह और आखिरत का इनकार करने वाले बन जाए या शक करने वाले बन जाए अब बचाव के लिए उनकी इलाह के लिए सुधार के लिए और कौन सा रास्ता बच जाएगा ये मदारिस हमारे लिए जैसा कि शेख ने भी कहा ये हमारे लिए हयात हैं ये हमारे लिए ऐसा पेड़ है जो समाज के लिए साया देता है समाज की बकायस में ये वो चिराग हैं जिसके मिट जाने की वजह से पूरे माशरे के अंदर अंधेरा छा जाएगा और ठोकरें खाने वाले गड़े में गिरने वाले खाइयों में गिरने वाले बन जाएंगे मदारिस की हिफाजत की जरूरत है ये इल्म सारे उलूम में सबसे अफजल इल्म है इस बात की जरूरत है आज माशरा हमारा कहाँ जा रहा है हमारे माशरे का हाल ये है कि आज मुसलमानों में इस इल्म के बारे में लापरवाही है आप देखिए कोई आदमी अगर कहे आपका बेटा क्या करता है अगर वो कहे मैं मदरसे में मदरसे में डाल दिया आप जिंदगी खराब कर दी उसकी अब बहुत सलाहियतमंद था वो आप मदरसे में डाल दिया उसको अच्छा अगर कोई बच्चा बहुत सताता है नाक में दम कर दिया हमारे पड़ोसियों के रिश्तेदारों के किसी को चैन से रहने नहीं देता है मदरसे में डालो इसको लोगों का जहन ये बना हुआ है कि अच्छा माल मदरसे में नहीं जाना चाहिए एकदम बिगड़ा हुआ माल मदरसों में जाना चाहिए समाज का कचरा अल्लाह माफ करे समाज का कचरा मदरसे में जाना चाहिए, और उसके बाद भी मदरसों की शुक्रगुजारी के बजाय ना आप बताइए मदरसा आपको वो माल लेके भी उसको अच्छा बना के समाज में देता है लेकिन फिर भी मदरसे की शुक्रगुजारी नहीं बल्कि मदरसे कुछ काम के नहीं है मदरसे के बारे में दीन का इल्म जब उसकी क़दर नहीं होगी तो दीनी के मराक की क्या कदर होगी की क्या कदर होगी असल इल्म की ही क़दर नहीं आज समाज के अंदर मदारस के बारे में के बारे में दीनी दीनीम के बारे में ना कदरी है। एक बड़ा तबका है अच्छे लोग भी हैं जो कदर करते हैं लेकिन कितने हैं ऐसे लोग दुनिया हासिल करने की जो दौड़ लगी हुई है दुनिया 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 पैसा है तो सब सलाम करते हैं पैसा है तो सब काम बन जाते हैं पैसे की जो चाहत दिल में बैठी हुई है दुनिया की जो चाहत बैठी हुई है भाई यही जिंदगी है इसी में जो खुशी मनाना है मना लो बाकी किसने क्या देखा है ये जो जहनीयत बनी हुई है दुनिया परस्ती इसका नतीजा ये है कि आज इंसान ये देख रहा है कि अपने लिए अपनी औलाद के लिए दुनियावी रास्तों में मेहनत करो अच्छे बड़े बड़े कोर्सेस करो दुनिया में तरक्की करो और मदारस कोई चीज़ नहीं है ये लोगों की लाइफ खराब करती है हमारे बच्चों को मदरसों में नहीं डालना चाहिए मदरसों को तावन नहीं करना चाहिए तो एक बड़ा मसला हमारा ये है कि मदारिस की नाकदरी है आप बताइए अगर मदरसे नहीं होंगे हमारी मसाजिद को इमाम नहीं मिलेंगे नमाज कौन पढ़ाएगा आप कहिए किसी को आगे बढ़ाओ कहते मुझको कुरान पढ़ना नहीं आता है बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन अगर इमाम बनाने के लिए आगे खड़ा कर दें मेरे मेरा तजवीज़ नहीं आती मुझको अगर हमारी मसाजिद के लिए इमाम नहीं होंगे तो हमारी इबादत का क्या होगा पांच वक्त की नमाज से लेके तरावी से लेके जनाजे की नमाज तक के पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा आज हाल मुसलमानों का ये है बाप मर जाता है बेटा ऑफिस में होता है दौड़ा दौड़ा आता है दवा खाने में मर गया उसके बाद नहाने की भी नौबत नहीं होती है जनाजे की नमाज में पीछे खड़ा होता है गैर मुस्लिमों के साथ में जो हमदर्द होते हैं उस आदमी के मरे हुए के उसके साथ उनकी भीड़ में लोग देखते हैं पलट के ये तो बेटा है उसका वो पीछे खड़ा है उनके साथ में वो वहां क्या कर रहा है इधर आओ बुलाते लोग उसको नहीं आ सकता क्यों तारत नहीं है ये हाल मुसलमान का है अगर हमारी मसाजिद के इमाम जनाजे पढ़ाने वाले नमाजे पढ़ाने वाले तरावी पढ़ाने वाले नहीं रहेंगे बताइए हमारी इबादत का क्या हाल होगा हमारे निकाहों का और हमारे सारे पतावा मीरास के मसाइल हाँ नमाज के मसाइल इबादात का मामला अखलाकियात का मामला क्या होगा मसाजिद में जुमा के दिन तो बड़ी मुश्किल से आ जाता मुसलमान वो भी ख़त्म हो जाए अगर उसके लिए हमारे पास और ख़ुतब फराहम करने वाली कौन सी फैक्ट्री है स्कूल से मिलते हमको कंपनी उसे बन के मिलता है ऐसा हमारे लिए मा, माल कि हम अपनी मसाजिद में उनको खड़े करें और जो दुनिया परस्ती में लगे हुए दिल हैं कम से कम एक मरतबा हफ्ते में आके अपने दिल की असलाह कर लें कहाँ से लाएँगे आप बताइए अगर मदारिस ना हो कौन मिलेगा हमको जो कम से कम हमारे जहनों को हफ्ते में एक बार तो सही करते हमको वापस अल्लाह की तरफ ले आए हमको वापस आखिरत की फ़िक्र करने वाला बना ले हमको इस्लामी अखलाक आदाब और इबादात हमारी उसकी असलाह करे कहाँ से मिलेंगे हमको है हमारे पास स्कूलों से मिलेंगे हमको प्रोफेसर मिलेंगे हमको नहीं मिलेंगे हमारे लिए ज़िंदगी के मामलत हमारे बच्चों का क्या हमको खुद कितना आता है कुरान पढ़ना अगर हमारे मदारस से फ़ारगीन हमारे पास नहीं होंगे हमारे बच्चों को मकतब में अलिब बा से लेकेश रब्दी खब पढ़ाने वाला कौन होगा एक जमाने से माना जाता है बच्ची कुरान पढ़ ली तो बस वो कुरान पढ़ाने वाला भी कोई नहीं बताइए हमारी बच्चियां जो मदारस में पढ़ती हैं और हमारे बच्चे जो मदारस में पढ़ते हैं अगर ये पढ़ के नहीं निकलेंगे मुसलमान माशरे का क्या होगा ये सोचने की चीज़ है ये मदारस हैं जो ऐसे अफराद हमको फराहम करते हैं इनकी नाकदरी नहीं होना चाहिए इनकी कदर होना चाहिए और उन लोगों का जिनके पास सारी सलाहियतें थीं उन्होंने अपने आप को इस काम में लगा दिया वो चाहते तो बहुत बड़ा जॉब करके पैसे कमा सकते थे उनके पास सलाहियतें नहीं थी मदरसे में पढ़ाने वाले के पास सलायत नहीं होती है वो अपने करियर को कुर्बान करके छोटी तनख्वाह में मदरसे में पढ़ाने में लगा हुआ है क्यों इसलिए नहीं कि उसके पास रास्ते नहीं हैं उसके पास रास्ते हैं लेकिन उसने इसी रास्ते को चुना है ताकि वह अल्लाह के दीन की खिदमत करके कल को क्यामत के दिन अल्लाह के सामने जवाब देने की पोजीशन में हो मेरे पास दीन का इल था मैंने उसको बर्बाद नहीं किया मैंने कौम को बेहतर बनाने में अपनी ताकत लगाई पूरी दुनिया में नहीं गया एक मदरसे में मैंने वहाँ से अफराद फराहम किए उम्मत को ताकि उनकी दीनदारी की हिफाजत हो सके मदारस की कदर करने की जरूरत है आप देखिए आज हाल ये है कि मदारस के मुकाबले में आवाम में कोताही क्या है स्कूलों को तरजीह दी जा रही है बल्कि हुकूमतों का भी मामला ऐसा ही हो रहा है कि मदारस क्या जरूरत है डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो ये क्या मौलवी बन गए मुसलमानों के एक तबके के जहन में भी ये चीज है कि मदारस से कुछ फायदा नहीं है ये मौलवी लोग कुछ काम के नहीं है ये ऐसे ही जैसे आदमी जिस शाख पर बैठा हुआ उसी को काट रहा हो और ये समझता हो कि मैं अपने लिए कोई चीज जमा कर रहा हूं वो खुद गिरने वाला है जब ये नहीं होगा तो उसकी हलाकत आएगी एक बड़ा तबका है स्कूलें होना चाहिए डोनेशन स्कूल को दो पढ़ लिख के कुछ बनेगा के काम के आएगा कोई काम नहीं आता है उसकी औलाद उसके काम आती है आप बताइए कितने लोग हैं बच्चों को पढ़ाते हैं इतना पढ़ाते हैं सालों साल पंद्रह पंद्रह बीस साल पढ़ाते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा इंजीनियर बनेगा दीन नहीं सिखाते दीन कायल नहीं देते टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं बहुत पढ़ता मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है जब वो वाकई उस पोजीशन को पहुंच जाता है अच्छा कमाने लगता है सबसे पहले वो जिससे अपना दामन छुड़ाता है अपने मां बाप होते हैं यह दुनियावी सजा है उनके लिए ये दुनिया की सजा है कि तूने इनको अल्लाह से दूर किया अल्लाह इनको तुझसे दूर करेगा ये दुनिया की सजा है अक्सर लोगों को आप देखिए जो अपनी औलाद को दीन कायल नहीं देते और दुनिया में दुनिया में खपा देते हैं सबसे पहले जब तरक्की की सीढ़ी वो चढ़ते हैं तो सबसे पहले मां बाप से अपने आप को दूर कर लेते हैं माँ बाप को किसी आश्रम में डाल देते हैं बाज तो आश्रम मुसलमानों का भी नहीं होता है कितने हैं ऐसे बूढ़े पड़े हुए हैं औलाद नहीं पूछते बताइए क्या फायदा हुआ इतना पढ़ा के क्या तरक्की है ये कि तेरी औलाद तेरी नहीं है क्यों क्योंकि तूने उसको दीनदार नहीं बनाया दुनियादार बना उसको सजा मिली कि वो दुनिया के पीछे दौड़ेगा उसके पास क्या तकलीफ उठाकर उनकी खिदमत करने वाला इंसान को बनाता है उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है उनका पेशा पाखाना उसकी सफाई उनकी कै को साफ करना उनको दवाखाने पाबंदी से ले जाना उनकी दवाओं की उनका ख्याल रखना उनके गुस्से को बर्दाश्त करना उनकी रातों की कराह कराहत के ऊपर जाके उनको देखना कौन है ये क्यों करे भाई क्या मिलेगा उसके बदले में ये दीन है जो इंसान को सिखाता है नहीं कम बबानी सगैरा तो सिर्फ उनकी खिदमत नहीं कर बल्कि उनके लिए दुआ भी अल्लाह से करने वाला बन है जब दीन आता है तो उनके लिए रहमत की दुआ करता है जब दीन नहीं होता है तो उनके लिए रहमत की दुआ तो दूर की बातें खुद उनके ऊपर रहम नहीं करता बल्कि मारपीट के कोने बिठाता है इतना खांसते हो मेरी नींद खराब हो रही है आहिस्ता नहीं खांस सकते मां बाप को चुप बिठाता है यह हाल होता है जब दीन नहीं होता है दुनिया का एजुकेशन दीजिए अपनी औलाद को लेकिन दीन के बगैर नहीं मदारिस की ना कदरी मत कीजिए इसी तरह से आप देखिए कि मदारिस में ताउन के एतबार से आदमी सोचता मैं यहां लगाने की बजाय कहीं और लगाऊं यहां क्या मिलने वाला है मदारस को अगर ताउन नहीं होगा मदारिस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे अगर तो आप बताइए समाज बर्बाद हो जाएगा समाज को दीनदार बनाने के लिए एक रास्ता है यहीं से उलमा हमको मिलते हैं यहीं से खुतबा हमको मिलते हैं यहीं से हमको मुरबैन मिलते हैं जो इंसान को दीन सिखाते हैं समाज को बेहतर बनाते हैं आवाम की जिम्मेदारी क्या है मदारिस के लिए उनका उनकी उनकी, उनकी कदर करें उनकी कोशिशों को सराहें उनका हौसला बढ़ाएं उनका ताउन करें उनका ताउन करें माल के जरिए से सियासी असर के जरिए से या अपनी सलाहियतों को उनके लिए फराहम करते हुए उनका ताउन करें अपने इलाके के बच्चों को खास करके ऐसे बच्चे मान लीजिए नहीं पढ़ सकते हैं दुनियावी तालीम गरीब घर के बच्चे हैं आप मदरसे में डालिए उनको जैसे भी हो ये मदरसे हैं जो टूटे फूटे जैसे भी बच्चे उनको मिलते हैं कैसे कैसे शरारती बच्चे उनको मिलते हैं उनको बेहतर बना के वो कुछ नहीं बने तो कम से कम समाज के लिए सरदर्द नहीं बनेंगे आप अपना सरदर्द मदरसे को देते हो मदरसा उसका हमदर्द बनता है और लोगों का हमदर्द उसको बनाता है कम से कम वो अपना कमा के खा के दीनदार तो बना रहेगा किसी मस्जिद में जाके इमाम बन के पांचवों की नमाज पढ़ा के चुपचाप अपना जो भी होता है वो खा पी के बीवी बच्चों के साथ खुश रहेगा समाज के लिए वो मुजरिम बन के नहीं जिएगा मुजरिम बनने से बचाता है मदरसा लोगों को ठीक है मदरसों में कमियां होती हैं लेकिन अगर मदारिस नहीं होंगे तो समाज और ज्यादा भयानक हो जाएगा इसी तरह से ताउन करना मदारिस का ताऊन करना उलमा का इकराम और उनके हालात को बेहतर बनाना चाहे मस्जिद के हों या मदरसे के हों आज हमारे हाल ये हैं आदमी देखता है वो वो आलिम आलिम वालिम आलिम आखिरी वक्त में देखो उसका क्या हाल हुआ कोई पूछने वाला नहीं था दवाई के लिए कोई उसके लिए मददगार नहीं था परेशान हाल मदरसे का आलिम हो या मस्जिद का इमाम हो उलमा की हालत लोग देखते हैं कम तनख्वाह में ज़िंदगी गुजारें हाँ घर में रहने के लिए ठीक ठिकाना उनके पास नहीं था पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं थे खाने के अंदर कई चीज़ों के लिए वो तरसते रहे जिंदगी भर उनके बच्चे तरसते रहे आदमी उनको देख के सोचता भाई मुझको अपनी औलाद को ऐसा नहीं बनाना है मुझको अपनी औलाद को इस तरह से कुर्बान नहीं करना है उनका करियर तबाह नहीं करना है आलिमों का हाल देख के मेरे बच्चे को आलिम नहीं बनाना है लोग सोचते हैं अगर हम कौम के का काम करेंगे उनके हालात को बेहतर बनाएंगे उनका इकराम करके उनके लिए जरूर जुरत, जरूरतें फराहम करेंगे उनकी लोग देखेंगे देखो आलिम का कितना इकराम होता है मेरा भी बच्चा आलिम बने मेरा भी बच्चा आलिम बने क्यों नहीं बना रहे लोग इसलिए कि हमारे समाज में मा का मकाम कुछ भी नहीं माना जा ये तो आलिम है प्रोफेसर साहब आइए बैठिए प्रोफेसर की तनख्वाह प्रोफेसर का तारुफ और आलिम की तनख्वाह और आलिम का तारुफ आप देखिए मौली साहब हैं तो बस ये तो बस पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या मालूम दुनिया में क्या चलता है तो बस निफास के बारे में जानते हैं ये तो बस मुल्ला साहब है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक यही लोग हैं इनको कुछ भी मालूम नहीं दुनिया का ये हाल बन गया है ये तारुफ़ बन गया है उलमा के बारे में उनको इस तरह से गिरी हुई निगाह से समाज देख रहा है जो कौम उलमा की कदर नहीं करती है उनको जलील करती है वो कौम भी दुनिया में काबिल कदर नहीं बनती बल्कि जिल्लत और पस्ती में चली जाती है इन अल्लाह तयदल किताब अन वयदाओबिहा तज़ीम करके आदमी काबिल तज़ीम बनता है काबिल एहतराम बनता है कुरान वाले इल्म की को जलील करके और उस इम वालों को जलील करके तुझको इज़्ज़त मिलेगी नहीं हो सकता नहीं हो सकता है इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने ज़ावी निगाह को बदलें दीनी इल्म की कदर हम करें उलमा की कदर हम करें इदारों की कदर हम करें उनका ताउन करें ये बहुत ज़रूरी है इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि मदारिस में भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जिससे समाज को वाकई वैसे अफराद मिलें जो और बेहतर तौर पर समाज की खिदमत करने वाले बने जिनमें से क्या चीज़ें हैं एक तलबा में तलबा में जो तलबल है उनके अंदर मकसदियत और दावती शौर पैदा करना ये बहुत ज़रूरी है मदारस ऐसे ना बन जाए वह इतना सिलेबस मुकम्मल करना है ये पूरा करके चले जाओ और उसके बाद उसको मालूम नहीं है बहुत सारे मदारस का हाल ही होता है आखिरी साल में बच्चे जे में एडमिशन लेने का सोच रहे होते हैं अलीगढ़ जाने का सोच रहे होते हैं कि मुझको वहाँ जाके कुछ करियर करना है फिर प्रोफेसर बनना है मदारिस में शुरू से ऐसा निज़ाम रहे कि उसके जहन में डाला जाए तुझको यहाँ से बाहर निकल के क्या करना है तेरी जिंदगी का मकसद क्या है सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है फारि होना मकसद नहीं है असल मकसद तो फारिग होने के बाद शुरू होने वाला है कि वो तू नशीन है उसमें वरसतुल अंबिया अम्बिया के वारिस हैं सिर्फ इल्म के नहीं उस मकसद और उस जिम्मेदारी के भी वारिस हैं जो नबियों के साथ आता है लोगों की इलाह करना लोगों को दीन सिखाना समाज को बेहतर बनाना लबा को उनके जहन में डाला जाए इसी तरह से तालीम के साथ साथ तज़गी का भी अहतमाम हो बहुत ज़रूरी है दुआ उसको याद तो है लेकिन पढ़ता के नहीं पढ़ता हो अखलाक की हदीसें सौ उसको याद हैं उसके अखलाक सुधरे कि नहीं सुधरे ऐसा निज़ाम मदारस का हो जहाँ पर सिर्फ तालीम ना हो बल्कि तालीम के साथ साथ अफराद के किरदार साजी भी है हम समाज को बेहतर अफराद दें सिर्फ जानकार लोग ना दें बल्कि उस इल्म पर अमल करने वाले अफराद समाज को मिले कि उनकी जिंदगी खुद दावत हो अल्लाह ताला ने जहां कहा, आगे क्या कहा? आप अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाले दाई हो नबी वसल्लम लेकिन इसी के साथ साथ आप एक रोशन चराग भी हो आपका वजूद ही रोशनी है लोगों के लिए कि अगर ये चराग किसी को मिल जाए तो में रास्ता मिल जाए उसका वजूद खुद लोगों के लिए हिदायत का नूर बन जाए उसकी जिंदगी अमरी जिंदगी खुद एक दावत हो खामोश जुबान में बल्कि उसकी जुबान से बढ़ के बड़ी दावत हो ऐसे अफराद समाज को मिले जो नरम दिल वाले बाखलाक जुबान वाले मकसद के लिए जीने वाले हो ऐसे अफराज समाज को मिले दायाना व कायदाना किरदार उनका कौम की क्यादत करने वाले वो लोग इसी तरह से वो लोग लो यानी समाजी हालात को जानने वाले हों बाओत लोगों को ये लगता है मदरसे में दुनिया से कट जाता है उसको दुनिया का कुछ भी मालूम नहीं होता है उसको अंग्रेजी जुबान आए ताकि बाहर जाकर वो लोगों में पिछड़ा हुआ ना शुमार हो उनसे अच्छी इंग्लिश बोलता हो वो लोग ठिठर जाए कि भाई हमसे ज़्यादा तो इसको मालूम है दुनिया की तो ये भी चीज़ होना चाहिए लेकिन ये दीनी उलोम पर गालिब नहीं आना चाहिए ये दीनी उलोम पर गालिब नहीं आना चाहिए और इसी के साथ साथ तलबा की जिम्मेदारी क्या है अपने इस इकराम करें उनका एहतराम करें उनको अपना मुरबी माने उनके हाथ में वो उनके ताबे रहें अपने मुरबी अपने आलिम, अपने उस्ताद का इकराम किए बगैर इल्म की बरकत इंसान को नहीं मिलती है मालूम उसके पास जमा हो जाएगी इल्म नहीं होगा इल्म और मालूम में फ़र्क है इल्म वो है जो खशियत वाला होता है मालूम में जरूरी नहीं वो सिर्फ डेटा होता है वो सिर्फ मालूम है बेजान मालूम नहीं कुरान सन्नत में इ उसको कहा जाता है जो इंसान के दिल में यकीन और अल्लाह का खौफ पैदा करे तो तलबा में इसका इकराम और एहतराम हो इसी तरह से वो लोग इल में मुदावत इख्तियार करें बाद बच्चे पढ़ते 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 हैं एक वक्त के बाद छोड़ देते छुट्टियों में घर पर गया चला गया कई बच्चे लॉकडाउन में हमने कई से पूछा मदारस वालों से लॉकडाउन में जो गए तो खेती बाड़ी में कोई लग गया कोई दुकान में लग गया वो चला गया वो वापस ही नहीं आया ये नहीं होना चाहिए इल्म के सफर को तकलीफ के बावजूद अगर पिटाई हो भूखा रखा जाए किसी भी हाल में तकलीफ हो तब भी भी इल्म पर वो जमा रहे छोड़े नहीं इसको आप सुफा वालों को देखिए साहबा जो सुफा जो पहला मदरसा जिसको आप कह सकते हैं वो कैसे भूके रहते थे साहबा खाना नहीं पीना नहीं लेकिन फिर भी उसको छोड़ते नहीं थे जमे रहते थे डटे रहते थे तो फकर फाका आए तकलीफ आए परेशानियाँ आए गर्मी सर्दी अच्छे घर का मैं था देखो मदरसे में यहाँ पे कितनी एसी भी नहीं यहाँ पर मेरे घर में तो दो दो एसी हैं हर कमरे में एसी तो वहाँ वैसा था लेकिन यहाँ तकलीफ उठा के सीख वल्लीना जाहदीना लन् दियन्ना सगुलना जो लोग अल्लाह की खातिर मुजाहदा करते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है लन्द दियन्ना हम सगुलना हम अपनी राहों की रहनुमाय को अता करते हैं मुजाहदा और मशक्क़त के बकदर हिदायत मिलती है हिदायत चाहिए तो उसको मशक्क़त उठानी पड़ेगी अल्लाह की खातिर जितना मुजाहिदा होगा उतनी हिदायत मिलेगी तलबा जमे रहें छोड़ें नहीं फिर इखलास और मकसदियत अपने अंदर पैदा करें यह सोच के जाएं कि जब मैं फारिग हो जाऊंगा ऐसा नहीं सोचे जहन में ये तस्वूर नहीं होना चाहिए मैं आलिम बन के जाऊंगा फाजिल बन के जाऊंगा गाँव वाले गाँव से बाहर आके मेरा इस्तेबाल करेंगे कोई आपका इस्तेबाल करने वाला नहीं है कोई आपको पूछने वाला नहीं है आपको लोगों को पूछना है आपको लोगों के लिए मेहनत करना है कोशिश करना है ये उम्मीद ना रखें कि कौम उसको अपनी पलकों पे बिठाएगी गोद में लेगी हाथों में उठाएगी कदर करेगी वो आदमी दाई हो ही नहीं सकता है जो कौम से कदर की उम्मीद करे वो काबिल कदर नहीं हो सकता है जो दूसरों की कदर की चाहत करे काबिल कदर बनने के लिए मकसद की कदर करनी पड़ती है फिर उसके लिए आदमी को जिल्लत भी उठानी पड़ती है तकलीफ उठानी पड़ती तब जाके आदमी काबिल कदर बनता है अम्बिया के हाल को आप देखें कौम में आए या हसरतन अल इबाद रसूल रसूलिन का नज़ी ऊन बंदू का हाल काबिल हसरत है और वो खुद अपने हाल पर क़ियामत के दिन हसरत करेंगे क्यों माया अति रसोलिन का नज़ी ऊन जो भी रसूल उनके पास आया उन्होंने बस उसका मजाक उड़ाया तो ये जो चीज़ है तालब इल याद रखे मेरी कदर होगी इसकी कोई गारंटी नहीं बल्कि नहीं होने की गारंटी है उसको अपने इलाके में जाके जहां भी अल्लाह उसको रखे उसको अपनी जगह बनानी पड़ेगी मेहनत करनी पड़ेगी इखलास के साथ अल्लाह के लिए आखिरत की खातिर काम करना पड़ेगा मुजाहदा करना पड़ेगा और इसी के साथ और एक चीज़ यह है कि तलब इल्म को अपने फन में अपने मैदान में महारत हासिल करनी पड़ेगी कच्चा बन के नहीं जाए उसको समंदर किनारे फेंक देगा वो जो जिस इल्म में है हदीस का इल्म है फिक्र इल्म है और अकीदे का इल्म है कुरान और सुन्नत का इल्म है गहराई पैदा करे गहराई उसके अंदर पैदा करे वो ऐसा इल्म अपने साथ ले कि मजबूती हो कि कौम की इस्लाह के लिए उसके पास गहरा इल्म हो ये चीज़ अगर उसके अंदर है तब जाकर वो कामयाब हो सकता है सरसरी इल्म से कामयाब नहीं होगा अल्लाह रब्लमी से दुआ है कि अल्लाह ताली हम सबके इस जमा होने को कबूल फरमाएं और हमें इल्म दीन की कदर करने वाला बनाए उलमा का एहतराम और उनकी कदर करने वाला बनाएं हमको इस इस इन दीनी इदारों की जो भी हिंदुस्तान हो हिंदुस्तान से बाहर जो भी हमारे ख़ास तौर से हमारे मुल्क में जो इदारे हैं हमको उन इदारों की बकाा और उनकी हिफाजत की फ़िक्र करने वाला बनाएं अगर ये इदारे नहीं रहेंगे हमारे दीन की हिफाजत का कोई जरिया हमारे पास नहीं रहेगा ये कोई मामूली बात नहीं इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है अल्लाह रब्लमी इसका एहसास हमको नसीब फ़रमाएँ और हमारी ताकत में जितना है हमारे इन मदारस को हमारे इन इदारों को बचाने की फिक्र करने और इसके लिए जो कुछ हमारे बस में ताउन है हमको करने वाला बनाए अकुलफी वाल